मैं आपको बिहारी स्टाइल की बहुत ही ज्यादा टेस्टी राई की चटनी बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है। और इस चटनी में अचार और चटनी दोनों का टेस्ट आता है, उसकी वजह से ये खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे कचौड़ी, पकौड़े, समोसे, पराठे, लट्टी चोखा, स्नैक्स आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सभी के साथ खाने में टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए ये हमने एक बॉल लिया है। अब इसके अंदर 1/4 कप काली वाली मस्टर्ड सीड डाल देते हैं, यानी राई, 1/4 कप पीली वाली मस्टर्ड, इसे भी हम इसी के अंदर डाल देते हैं। आप चाहे तो सिर्फ काली वाली राई या पीली वाली राई के साथ भी इसे बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1 कप पानी डाल देते हैं और इसे हम इसी तरीके से फूलने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि जो राई के अंदर तीखापन होता है वो कम हो जाएगा। और आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे कम से कम 1 घंटे के लिए तो ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ दें। अब हम इसे फूलने देते हैं। 3 घंटे करीब हो गए हैं, अब ये राई भी फूल गई है। अब इसे हम 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेते हैं। ये हमने राई को 3 बार साफ पानी से धो लिया है और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो हमने निकाल दिया है। चलिए अब चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए ये हमने मिक्सी का जार लिया है। अब जो हमने राई ली थी वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये 8 से 10 लहसुन की कलियां ली है जिसे हमने छील लिया है, वो भी हम इसी के अंदर डाल देते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिस छोटे पीस में काट लिया है जिसे पीसने में आसानी रहेगी। ये 5 से 6 छोटे साइज की हरी मिर्च ली है, इसे भी डाल देते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कमियां ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अब इसके अंदर तीखे फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए 1 टेबल स्पून चीनी डाल देते हैं। चीनी डालने से फ्लेवर भी अच्छा आता है। ये 1/2 कप पानी लिया है, इसे भी डाल देते हैं। अब चटनी को हम मिक्सी से महीन पीस लेते हैं। ये हमने चटनी को पीस लिया है। अभी ये चटनी मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। अब इसके अंदर 1/4 कप पानी और डाल देती हूँ और चटनी को दोबारा से मिक्सी से पीस लेती हूँ। इस चटनी को हमने महीन पीस लिया है। चटनी को हम इस बॉल में निकाल लेते हैं। ये हमने चटनी को बॉल में निकाल लिया है। अभी ये चटनी मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। मिक्सी के जार में थोड़ी सी चटनी लग रही थी, उसमें हमने 1 टेबल स्पून पानी डाल दिया है। अब इस पानी को भी हम इसी चटनी में डाल देते और चटनी में मिक्स कर लेते। अब इस चटनी में हम 2 नींबू का रस डालेंगे, उससे चटनी का टेस्ट और भी अधिक बढ़ जाएगा। चटनी के अंदर खट्टापन आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब नींबू के रस को हम मिक्स कर देते। अब इस चटनी को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसके अंदर तड़का लगा देते। तो तड़के पैन में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल हम इसके अंदर डाल देते। तेल को अच्छे से गर्म होने देते। अब ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब फ्लेम को ऑफ कर देते और तेल को हल्का ठंडा होने देते। अब ये ऑयल हल्का ठंडा हो गया है। ये हमने 3 से 4 हरी मिर्च लिए जिसे हमने बीच में से काट लिया है। अब मिर्च को इसी ऑयल में डाल देते। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। अब ये तड़का बनके तैयार हो गया है। अब तड़के को हम चटनी में डाल देते हैं। तड़के को मिक्स कर देते हैं। अब ये तड़का भी अच्छे से मिक्स हो गया है। इस चटनी में ऑयल थोड़ा सा ज्यादा ही पड़ता है और ये चटनी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आती हैं। मैंने अपने चैनल पर काफ़ी तरह की चटनियों की रेसिपियाँ डाली हुई हैं, उन्हें काफ़ी पसंद भी किया गया है। आप मेरे चैनल पर जाके उन सभी चटनियों की रेसिपियों को देख सकते हैं और ये चटनी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुई है।
तो आप इस चटनी को कचौड़ी, पकौड़े, समोसे, लट्ठी चोखा, स्नैक्स आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सभी के साथ खाने में टेस्टी लगती है। अब हम इस चटनी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसे एक दिन के लिए बाहर ढक करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक दिन के बाद हम इसे फ्रीज में रख लेंगे और जब भी आपको खानी है आप फ्रीज से निकालें और फिर खाएं। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। अगर आपको मेरी राई की चटनी की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।